कुछ कड़ाई में से लो। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ रजवंती, रजवंती किचन चैनल में स्वागत है आप लोगों को। आज मैं जा रही हूँ पत्ता गोभी के सूखी सब्जी बनाने। इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं इसके लिए हमने प्याज और लहसुन और मिर्ची बारीकी से काट लिए। तो सबसे पहले मैं पत्ता गोभी को फ्राई करती हूँ तेल में। ये सरसों दाना है, दो तेज पत्ता है, दो हरी मिर्च, लाल मिर्ची, प्याज डाल लेंगे, लहसुन और मिर्ची साथ में डाल देती हूँ। लहसुन और प्याज मिर्ची फ्राई हो चुकी है, मतलब अच्छी तरह से ब्राउन हो गई है। और ये हमने टमाटर के पेस्ट लिए, इसी के साथ मैं फ्राई कर लेती हूँ। एक चम्मच लाल मिर्ची, आधी चम्मच हल्दी, इधर देख के बोलो क्या, आधी चम्मच धनिया पाउडर, स्क्वैश करके मैं फ्राई कर लेती हूँ मसाला को। मसाला हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो गई है, ये मसाला सेट रहा है, देख रही हूँ कितने से भुना गया तेल छूट रहा है। इसमें जो पत्ता गोभी है इसी साथ में डाल देती हूँ। स्वाद के अनुसार नमक, इस रस डला लेती हूँ और इसे दो से तीन मिनट में पकानी है ढंग। अगर आप पत्ता गोभी की सूखी सब्ज़ी अगर बना रहे होंगे तो इसमें पानी भूल कर ही मत डालिएगा, क्योंकि पानी डालने के बाद बहुत ही ग्रेवी टाइप के हो जाती है, क्योंकि इसमें से ऑटोमेटिक पानी छोड़ती है ये सब्ज़ी, तो बहुत ही ड्राई बनती है और दिखने में काफ़ी खूबसूरत सी लगती है। देख सकते हैं कलर पिंक वाली, हल्दी का रंग तो लग ही रही है, बट बहुत अच्छी ये हमारी रेसिपी आज की बनी है। ये देख लीजिए, ये रोटी के साथ या तो दाल भात जब खा रहे हैं तो उसके ऊपर आप लेकर सैलड की जैसा आप खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। ये थी हमारी पत्ता गोभी की सूखी सब्ज़ी। तो आप लोग भी कैसे लगी कमेंट लाइक करके जरूर बताइएगा। और रजवंती किचन पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पर इस तरह के वीडियोज बने तो आपको आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमारी वीडियोज को देखते रहिए। अभी निकालने का नहीं कहे, कहे लो। सब्जी हमारा तैयार है, मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ। इतना अच्छा लगता है ना पराठा के साथ में। पराठा बना लो, जा रही हूँ बनाने। अरे वाह, बस हो गया ना।